मार्केट में मिलने वाली वाइटनिंग क्रीम्स और फार्मूला क्रीम से भी ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके रिजल्ट आप लोगों को 200% तक मिलेंगे। आपकी स्किन एकदम फेयर, ग्लोइंग और स्पॉटलेस हो जाएगी। 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल क्रीम है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मार्केट से मिलने वाली वाइटनिंग फार्मूला क्रीम मत किया कीजिए, क्योंकि उससे हमारी स्किन एकदम तो फेयर हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, यूज़ करना छोड़ देते हैं, तो हमारी स्किन एकदम डैमेज हो जाती है। हमारी स्किन पर मलाजमा हो जाता है, एक्नी हो जाती है, काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो हमेशा ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों को ही अपने फेस पर अप्लाई किया कीजिए। तो जल्दी से चलती हूँ मैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो जी, सबसे पहले हमें चाहिए 7 अदद बादाम। बादाम में मौजूद होता है विटामिन ए, विटामिन ई, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारी स्किन को वाइट और ब्राइट करता है। इसमें हम ऐड कर देंगे गर्म पानी को और इसको भिगोकर रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हमने अपने तमाम बादामों को पील ऑफ कर लेना है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको ओवरनाइट भिगोकर रखें, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्राइंड होंगे। आपको दिखाने के लिए इसलिए मैंने इसको सिर्फ 20 मिनट तक ही भिगोया है। जब तमाम बादाम हमारे पील ऑफ हो जाएं, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून रोज वाटर के, और फिर इसको मिक्सी में डालकर हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लेने के बाद हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है, ताकि बादाम के कोई भी टुकड़े ना आए और हमारी बिल्कुल स्मूथ क्रीम रेडी हो। लें जी, ये हमारा आलमंड मिल्क बिल्कुल रेडी है। अब हमें चाहिए एक सेकंड बॉल, और उसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के। एलोवेरा जेल डीपली हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल का, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलमंड मिल्क के 2 टेबलस्पून, और फिर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ले जी, ये हमारी 100% नेचुरल ऑर्गेनिक वाइटनिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है, और इसके रिजल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। अब आपके घर में कोई भी एयर टाइट कंटेनर मौजूद हो तो उसमें डालकर हम इसको सेव कर लेंगे। 7 से 8 दिन तक फ्रिज में भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो जी, अब इसको यूज़ कैसे करना है? आपने इस क्रीम को यूज़ करना है एज ए नाइट क्रीम, यानी कि रात को सोने से पहले आपने अपने वॉश और क्लीन फेस के ऊपर इसको लगाना है, और 1 मिनट तक इसका मसाज करना है। ये आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगी और अपना काम करना शुरू कर देगी। सिर्फ 3 और 4 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद ही आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, कि मैं अपने चैनल पर ऐसी ही रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही ईजी होती है बनाने में और उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है लगाने में। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।